गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आइए आप फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आते हैं, एग्जांपल के साथ कि कंपनियां जब शेयर इशू करती है किसको इशू करती है, वेंडर को। तो उसके लिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है। संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 7 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर द परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 4,49,500। रुपीज 8,500 वेयर पेड बाई एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ एंड द बैलेंस वॉज पेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज प्रीमियम ऑफ 10% इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पर्सन से जनरल एंट्री इन द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड। अब देखिए संदेश लिमिटेड के यहाँ पे कंपनी जब परचेस कर रही है तो अब उसने किससे परचेस किया, संचार लिमिटेड से परचेस कर रही है। क्या परचेस किया उसने, एसेट्स और लायबिलिटी परचेस किया और उसके आगे उसने अमाउंट पे कर रही है। तो अब उसको कितनी अमाउंट पे करनी चाहिए, और अधिक अमाउंट पे करी तो गुडविल और कम पेमेंट करेगी तो क्या हो जाएगा वहां पे कैपिटल रिजर्व। तो अब देखिए इन द बुक्स ऑफ संदेश लिमिटेड के यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो जनरल एंट्री होगी पहले क्या आएगा, कंपनी ने परचेस किया क्या सन्ड्री एसेट्स, तो फर्स्ट एंट्री जो आएगी यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और क्या ले रही है फिर सन्ड्री लायबिलिटी टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। अब किससे लिया उसने, संचार लिमिटेड से, टू संचार लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए संचार लिमिटेड से लिया हुआ है कितने, संचार लिमिटेड से, और अब देखिए एसेट्स कितने का लिया हुआ था, संडे एसेट्स कितने रुपीज की थी 7 लाख, लायबिलिटी कितने की थी 2 लाख, ठीक। अब कंपनी उसके अगेंस्ट में जो दे रही है वो क्या दे रही है, कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है कितने रुपीज का कर रही है 4 लाख, यानी संचार लिमिटेड से कितने परचेस कर रही है, परचेस कंसिडरेशन कितने का है 4,59,500। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 7 लाख है, यहाँ पे ऐड करते हैं तो 6,49,500 हो रही है। तब की कंडीशन में जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, यानी कि कम अमाउंट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो कंपनी कम अमाउंट पे करी तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगी कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट क्या लेंगे यहाँ पे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 40,500, ओके 40,500। नेशन क्या होगा, बीइंग एसेट्स लायबिलिटी परचेस फ्रॉम संचार लिमिटेड, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेस फ्रॉम किससे परचेस की हुई है, संचार लिमिटेड के। अब कंपनी ने संचार लिमिटेड से परचेस की हुई है, कितने का परचेस किया हुआ था, 7 लाख की एसेट्स था, लायबिलिटी 2 लाख की थी, कंपनी पेमेंट करी थी 4,59,500 और कम अमाउंट पे की तो 40,500 क्या हो गया इसकी कैपिटल रिजर्व। अब क्या कर रही है, इसके अगेंस्ट में कंपनी क्या दे रही है, बेस पेबल दे रही है, कितने रुपीज का दे रही है बेस पेबल 8,500 का। तो अब इसकी नेक्स्ट जनरेटी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेटी देखते हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है बेस पेबल कितने का 8,500 का, किसके अगेंस्ट में क्या हुआ, संचार लिमिटेड के, संचार लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक। अब देखिए बिल्स पेबल लिया हुआ कितने का दे रही है, कितने का एसेट किया 8,500, तो नया एसेट क्या हो गया, बीइंग क्या दे रही है, बींग ड्राफ्ट एक्सेप्टेड। यहां पर उन्होंने बेस पेमेंट क्यों किया, क्योंकि इसका पेमेंट कब होगा, आफ्टर 3 मंथ होगी, इसीलिए एक्सेप्टेड।
ओके अब देखिए यहां पे क्या हो रही है, कंपनी अब क्या कर रही है, रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी क्या दे रही है उसको, शेयर चुका रही है, जो शेयर की प्राइस कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का है, और प्रीमियम कितना परसेंट है वहां पे, 10% का। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संचार लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब देखो कंपनी को देना कितना था, कंपनी ने पूरा परचेस कितने का किया था, कितने का था यहां पे 4,59,500 में से कंपनी ने कितने का ड्राफ्ट ले लिया, 8,500 यानी पेमेंट कितना करना है कंपनी को, 4,51,000 ओके। अब कंपनी को पेमेंट कितना करना है, 4,51,000, तो संचार लिमिटेड में कितना आ गया, 4,51,000। अब देखिए यहां पर कंपनी कर रही है सिक्योरिटी प्रीमियम पे दे रही है, तो अब इसमें हम लोग को निकालना होगा क्या कि कंपनी कितना शेयर दे रही है और कितने रुपीज का है। तो अब देखिए इसके लिए ये अमाउंट हुआ, ये परचेस कंसिडरेशन में आ गया, 10 रुपए का एक शेयर था और 1 रुपए प्रीमियम के साथ दे रही है, यानी ये कितने की हो गए, 11 रुपीज की, 11 का ठीक। अब 11 रुपीज की एक शेयर हो जाए तो कंपनी को देना कितना पड़ रहा है हम यहाँ पे, अब यहाँ पे निकालेंगे कितने से कि अगर 11 रुपीज का हो रहा है तो कंपनी को देना कितना पड़ा शेयर, तो यहाँ पे आया 41,000 शेयर्स, कितना देना पड़ रहा है, 41,000 शेयर। अब यहां पे तो 41,000 है, तो इक्विटी शेयर में 41,000 इंटू 10, 4,10,000 यहां पे कितना है, 41,000 इंटू 1 तो कितना आ गया, 41,000 ओके। अब नेशन क्या होगी, बीइंग 41,000 being 41,000 shares, share issued at a premium of 10%, at a premium of 10%, okay। अब इस टाइप से तो हमने देखा कि कंपनी जब से एसेट परचेस कर रही है, कम अमाउंट पे कर रही है और उसके अगेंस्ट में बिल्स भी एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या क्या एंट्रियां होती हैं। तो फर्स्ट एंट्री एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था, संडे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू संडे लायबिलिटी टू संचार लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब उसके बाद कंपनी ने पेमेंट किया 8,500 का बिल्स पेबल, तो संचार लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल, और उसके अगेंस्ट में फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है वो भी किस पे, 10% प्रीमियम पे, तो यहां पे क्या हो गया, संचार लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और नंबर ऑफ शेयर फाइंड किया कितना, 41,000 शेयर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कर सकते हैं। ओके थैंक यू।